बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो तो बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। इतना आप ये क्वेश्चन देखें, जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिखा, आप इसको पेपर में करने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आज मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक आप इसको सोल्व करने का, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो आप उस पर ये मेथड अप्लाई करें तो इंशाल्लाह विद इन 5 सेकंड यू कैन आंसर, बट एग्जैक्टली आंसर यू कैन गिव। बट इस क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कोस माइनस साइन। अब ये क्वेश्चन है तो देखें, आप इसको सोल्व करें तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्यूब वाले फार्मूला लगाएं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्यूब वाले पता ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूलाज लगाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर उसको कैंसिल आउट करें। तो वो मैं यहाँ नहीं करवाने वाली, मैं आपको ऐसा मेथड करवाऊंगी जो आप विदिन 1-2 सेकेंड या विदिन 5 सेकेंड मतलब क्वेश्चन देखते ही आप आंसर उसका क्वेश्चन पर ही आप कर सकेंगे। इंशाल्लाह ऐसा होगा कि बहुत आपके काम आने वाली है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिए और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करना भी तो अच्छी बात फैलाना भी सदका जारी है। ये मतलब अच्छी बात है, आप किसी को बुलाएं और किसी के लिए आसानियां पैदा करें, किसी के लिए आसानियां मतलब आपको ये वीडियो मिली और आप देख रहे हैं तो आप दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें, दूसरे भी देखें और फ़ायदा उठाएँ इस वीडियो से। अब देखिए इसमें कितना मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको वैसे सोल्व करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर मैं शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो विद इन 2 सेकंड आप कर सकते हैं। देखिए अब मैं प्लेस थीटा की अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 लूँ तो साइन 0 होता है कोस 0 1, तो नीचे साइन 0 0 प्लस कोस 0 1, वो 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट अगर देखें तो कोस क्यूब, फिर इसमें भी लगाएं तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 ओवर 1 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको जितना मर्जी सोल्व करें इसका आंसर 2 ही आएगा। आप ऑप्शन देखते ही इसका राइट ऑप्शन कर सकते, मतलब एक लाइन ही आपको करनी पड़ी वो भी 0 1 वाली, और डायरेक्ट आपने आंसर निकाल लिया 2, इसका आंसर 2 है। आप तो इस वीडियो को लाइक बनना और शेयर करना ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, इसको बहुत सी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो अब इसका आंसर 2 आ गया। अगर यहाँ अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रखूँ तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन था साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कोस। अब यहाँ मैं रखूँ थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 0 होता है, साइन 1 प्लस 0 और कोस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 0 0 माइनस 1 ओवर, तो 0 क्योंकि 0 कोस 90 0 होता है, साइन 91 होता है, -1 ओवर -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब थीटा इज इक्वल टू 90 लिया तब भी 2 है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 लिया मतलब थीटा मतलब यहाँ साइन कोस की 30 45 60 जो भी आप वैल्यू ले लें ये आंसर 2 ही देने वाला है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, आप खुद करके देख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 लें, 45 लें, 60 लें, इसकी वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी हमेशा। तो मतलब ये आंसर 2 ही देने वाला है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ लिखा गया है इक्वेशन, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। एक और क्वेश्चन देखें, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू पी है और ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू है। अब पी एंड क्यू के इक्वल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन बनाई गई है, पी ये है और क्यू ये है, तो बताएं ए पी माइनस बी क्यू होल स्क्वेयर इज प्लस ए क्यू प्लस माइनस बी पी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट, मतलब आप ये बताएं कि ये किसके इक्वल होगा। तो आप देखेंगे आप यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू कहाँ निकालेंगे, एफ पी फेडर वाले वैसे इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं, अजीब से समझ नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करो एंड कहाँ से करें। इस तरह तो हम बुक जब बी एस सी या मास्टर कर रहे होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते, इवन के एफ एस सी लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, पी ए क्यू ए, तो बताओ ये किस तरह से होगा नेक्स्ट, तो ये कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ और ट्रिक्स, तो यहाँ भी जिस तरह मैंने अभी बताया कि थीटा की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर ले, यहाँ भी थीटा की कोई वैल्यू आप रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ भी 0 लूँ तो साइन 0 0 होता है, मतलब ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी और कोस 0 1 होता है, तो बी पी इज इक्वल टू बी, लो जी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इफ थीटा इज इक्वल टू मैं 0 लेती हूँ तो पी इज इक्वल टू बी आ गया, चलो जी ये आ गया। अब वही 0 यहाँ पे लूँ, अगर ये 0 1 तो मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए, और साइन 0 0 तो मतलब ये सारी निकल गई, यहाँ से ए की वैल्यू हुई और ए इज इक्वल टू क्यू या क्यू इज इक्वल टू ए, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब जो भी आपको इक्वेशन दी गई जिसके बारे में पूछा गया वहाँ पर वैल्यूज लगाएं और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। आप बी पी की वैल्यू मेरे पास बी आई है और यहाँ अगर बी लगाऊँ तो ये बनेगा ए बी माइनस क्यू की वैल्यू ए आई, तो यहाँ पे फिर ए बी होल स्क्वायर माइनस फिर ए और क्यू की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी, और पी की वैल्यू भी बी है तो बी स्क्वायर
या बी इंटू बी काट ले, ए इंटू ए, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, अभी इतना तो पता ही होगा। तो अब ये तो ए बी माइनस ए बी, ये तो सारा हो जीरो हो जाएगा, बाकी माइनस नहीं, ये प्लस था, प्लस मतलब अब ये सारा किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर के इक्वल इसने आंसर दिया। आप देखें कितना मुझे टाइम लगा है, 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे मुझे ये सोल्व करने में कि बी पी ये है, बी क्यू ये है। तब बताओ ये किसके इक्वल होगा, थीटा की कोई भी वैल्यू, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नेक्स्ट जो भी आए क्वेश्चन पूछा जाए, थीटा की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करके आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। या मैंने थीटा इक्वल टू जीरो रखा, पी क्यू की वैल्यू निकाली और जो पूछा गया था उसमें लगाई और मेरा आंसर आ गया इसके माइनस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आप देख सकते हैं कैसे मैंने निकाला, तो आई होप आपको नज़र आ ही रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन, अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो तो 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टेन बीटा किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें, अब टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, अब अल्फा और बीटा की कैसे लहता लहता करें, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा ये है, टेन बीटा ये है। अगर यहाँ भी मैं, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो लिया, अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो ले लूँ और बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 ले लूँ, तो फिर अगर इसमें अगर लगाएं तो टेन 1 प्लस टेन अल्फ़ा जीरो है, टेन जीरो जीरो ही होता है, तो इसमें 1 प्लस टेन बीटा मैंने लिया पाई बाय 4। अब टेन बीटा कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं टेन जीरो, टेन ऑफ पाई बाय 4, टेन जीरो जीरो ही होता है, 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस टेन पाई बाय 4 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आएगा। देखें कितना शॉर्टकट मैंने बताया कि आप अल्फा जीरो लें, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लें, जो भी आपको दिया गया यहाँ पाई बाय 6 पाई बाय 3 मतलब जो कुछ भी वैल्यू आ जाए तो उसको आप पहले को जीरो ले लें या बीटा को पाई बाय 4 ले, दोनों को प्लस करें तो पाई बाय 4 बनता भी है, मतलब उन दोनों को प्लस करने से वो चीज़ बने भी। नेक्स्ट वहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें और जो भी पूछा गया उसमें लगाएं और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। कितना ये शॉर्टकट है, बहुत अच्छी है, बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह, आपकी ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू एम ओवर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है एंड टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एम प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अब यहाँ देखें क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, टेन बीटा इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा प्लस बीटा की अब वैल्यू निकालनी है, वहाँ तो हमने सपोज कर ली थी, अब यहाँ ज़रा सोच के बताएं कि क्या करेंगे। अब यहाँ भी अगर मैं एम ज़ीरो ले लूँ, अगर यहाँ मैं एम ज़ीरो रखती हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो रखा तो जीरो ओवर जीरो, तो ये साकू के ऊपर जीरो है तो इज इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा। अगर यहाँ एम ज़ीरो रखूँ तो 1 ओवर 1 मतलब टेन, फिर अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर वो टेन अगर यहाँ ज़ीरो रखूँ तो टेन अल्फा टेन इनवर्स ज़ीरो फिर वो ज़ीरो भी देगा, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1 तो टेन बीटा फिर इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा। मतलब देखें अगर मैं यहाँ पे एम इज इक्वल टू जीरो रखूँ, ये इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2 आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आप ये 1 2 तो नहीं करेंगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे एम इज इक्वल टू जीरो रख लूँ, ये इसके सोल्यूशन में आ जाती है चीज़, एम इज इक्वल टू अगर मैं ज़ीरो रख लूँ तो टेन टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टेन यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट अगर यहाँ भी अगर मैम की वैल्यू ज़ीरो रखूँ तो टेन बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, बीटा इज इक्वल टू मैं कर ही दूँ टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब मेरे पास अल्फ़ा की भी कीमत आ गई, बीटा की भी, अल्फ़ा की 0 आई, बीटा की पाई बाय 4 आई, यही वैल्यू अगर मैं नेक्स्ट जो पूछी गई चीज़ उसमें लगाऊं तो 0 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो मतलब यहाँ पे फिर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई थी वो इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए मैंने किस तरह किया, आप यहाँ पे एम पूछा गया था, जो भी चीज़ मतलब दी गई आप खुद उसमें ट्राई करें कि क्या रखें और कैसे कैसे वैल्यूज आ जाती है, इस तरह के ट्रिक्स आप लगाएं। ये क्वेश्चन नहीं तो आप इस आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँ, आप नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ये मैथड लगाने की और एग्जैक्ट आंसर देके आएंगे। नेक्स्ट में जो भी मैथड लगाएं
मतलब पेपर में फिर जैसा भी हो रहा हो, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, आप ये ट्रिक्स लगाना ज़रूर, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। घर आके बेशक कोई फार्मूले लगाते रहे, क्वेश्चन लगाते रहे, घर आके बेशक कोई क्वेश्चन को आधा घंटा या 15 मिनट भी लग जाते हैं, तो घर आके ट्राई देख लेना, आप यही आंसर आएंगे जो आप पेपर में करके आएंगे अब। या फिर ये जो ट्रिक मैंने बताया आपको, कोई और भी क्वेश्चन लेकर उस पर ये लगा के देखे तो आपको बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम उनका क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएँ, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स ये बहुत काम आने वाले हैं, और इस वीडियोज़ में आपको बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले। सो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, तो वो आपको आइंदा फिर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के, जो बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। इस चैनल का, इस बनाने का मेरा मकसद ही है कि लोगों की हेल्प की जाए बीपीएससी या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने की और उसको क्वालिफाई करने की। तो इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में आई थिंक कामयाब हो भी रही हूँ। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना आप लाइक और शेयर करते हैं और कितने सब्सक्राइब करते हैं। तो आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियोस और लाती रहूँगी। फिर थैंक यू सो मच, इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस और भी होते हैं, जिस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि अब इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लिमिट पे क्वेश्चंस होते हैं और वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो लिमिट करनी अप्लाई करनी होती है, वो नहीं समझ आ रहा था। नेक्स्ट उन पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखेगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।